मार्केट के बारे में अपने पर्सनल ट्रेडिंग, पर्सनल इंटेंशन और पर्सनल विचारधारा शेयर कर रहा हूँ। ये चैनल केवल जानकारी हेतु के लिए है। मैं आपके ट्रेडिंग के लिए या लॉसेस के लिए या डिस्कम्फर्ट के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने विचार शेयर कर रहा हूँ, तो कृपया आप अपने एनालिसिस या अपने एडवाइजर की गाइडलाइन के हिसाब से ही ट्रेड करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के यूएसडी आईएनआर के लाइव ट्रेडिंग एनालिसिस के सेशन में मैं रुपेश दफ्तरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट आईडी की तरफ से। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बैंक निफ्टी का लाइव एनालिसिस का वीडियो पोस्ट कर दिया है। आशा करता हूँ वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, उसमें बैंक निफ्टी की सारी डिटेल मैंने दी हुई है। और ये यूएसडी आईएनआर का वीडियो मैं जैसे ही कंप्लीट करूंगा इसके बाद निफ्टी का भी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के यूएसडी आईएनआर का एनालिसिस। लेट्स बिगिन। अच्छा दोस्तों, ये आप देख लीजिए आज के यूएसडी आईएनआर के सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो दोस्तों, मैं सही बताऊं, मैं ये यूएसडी आईएनआर की ये तीसरी स्लाइड है जो मैंने बनाई। जैसे ही मैं स्लाइड बनाता था सुबह को, मार्केट आगे चला जाता था। वो नहीं बोले कि वो पकड़ने जाए और वो भाग जाए, पकड़ने जाए और भाग जाए, वही हाल हुआ। तो बहुत तेजी से बुल रन किया है यूएसडी आईएनआर में, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तीन दिन से बता रहा हूँ हो रहा है। मैंने कल तो यहां तक बताया था कि कृपा करके वीकली बियरिश पोजीशन मत बनाना, वरना इमरजेंसी वार्ड में जाने की हालत आ जाएगी। आज भयंकर ब्लास्ट हुआ है दोस्तों। वैसे एक तरह से देखा जाए, बीइंग एन इमोशनल इंडियन, एक देशभक्त होने के हिसाब से अपनी करेंसी टूटे वो अच्छा नहीं लगता। आज लाइफ टाइम हाई बनाया है, क्योंकि जितना यूएसडी आईएनआर दोस्तों ऊपर जाएगा, हमारे देश का रुपया उतना नीचे जाएगा, तो अच्छा फील नहीं होता। लेकिन बीइंग ए टेक्निकल एनालिस्ट, जो बुल रन है उसको बुल रन बोलना ही पड़ेगा। और लाइफ टाइम हाई ब्रेक होना, वो एक मतलब, ये देखिए, कल जैसे ही मंथली ब्रेकआउट मिला, वीकली ब्रेकआउट मिला ना दोस्तों, तो एक देशभक्त होने के नाते मुझे इमोशनली ऐसा लगा कि भगवान करे ये 68.89 से वापस नीचे गिर जाए। लेकिन दोस्तों, आज खुलते ही पूरा धमाका कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, तोड़ डाला, फोड़ डाला, ऐसा बोल सकते हैं हम। और अभी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अभी टाइम हो रहा है 11:18 में। एक बार फिर से मार्केट चेक करके आपको बता दूं क्या चल रहा है। देखिए, जो फ्यूचर चल रहा है ना, वो 69.18 चल रहा है, और स्पॉट क्या चल रहा है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्पोर्ट का मैं अभी बता दूं आपको, स्पोर्ट के लिए थोड़ा एंड्रॉइड ऐप में जाना पड़ता है, ये यहाँ पे टर्मिनल पे नहीं दिखता है। स्पोर्ट चल रहा है, स्पोर्ट 68.93 चलता है अभी, 933। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा स्पोर्ट का प्राइस अभी यूएसडी आईएनआर का। अच्छा दोस्तों, इतना भयंकर बुल रन इसने दिखाया है पिछले चार दिनों में कि सेल करने की वाकई में हिम्मत नहीं होती। वैसे अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो बीइंग ए टेक्निकल एनालिस्ट सेल करना चाहिए, लेकिन अभी चक्कर ये है कि वीकली सपोर्ट, मंथली सपोर्ट, वो सब कुछ भी देखना पड़ता है, लेकिन वो अभी थोड़ा दूर है। तो अगर चाहे तो, अगर सपोर्ट ब्रेक करे तो सेल तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है बिकॉज ऑफ ए टेरिफिक बुलिशनेस, टेरिफिक बुलिशनेस बिकॉज ऑफ हेवियर ब्रेकआउट्स। तो बी केयरफुल। वैसे अगर ये 9100 ब्रेक हो तो 68.56 या 68.60 की प्रोबेबिलिटी हो सकती है बियरिश साइड पे यूएसडी आईएनआर में। लेकिन फिलहाल तो ये सपोर्ट इंटेक्ट है और रेजिस्टेंस 69.09 है। अरे यार, रेजिस्टेंस क्या बोलना है, इसने तो सब तोड़ के ही रखा हुआ है वैसे भी। और प्राइस फिल्टर दोस्तों, इसमें खास आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा चार डिजिट होने की वजह से थोड़ा गड़बड़ करता है, 0.0225। और टाइम फिल्टर तो दोस्तों, इंट्राडे में 15 मिनट रहना ही रहना है, चाहे मैं बैंक निफ्टी बोलूं, निफ्टी बोलूं, यूएसडी आईएनआर बोलूं, या फ्यूचर में कोई स्क्रिप्ट आपको बताऊं। जी हाँ, कभी कभी स्क्रिप्ट भी लेंगे। अब बैंक निफ्टी, निफ्टी, यूएसडी आईएनआर पे पहुंच गए हैं, तो अगर कोई अच्छा सा जमुरा हाथ में आ गया स्क्रिप्ट, तो उसको भी यार देख लेंगे। लेकिन फिलहाल यूएसडी आईएनआर पे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने दिखा दिए, अभी वीकली का भी आपको चार्ट दिखा देता हूँ दोस्तों। वीकली का चार्ट नहीं, सॉरी, लेवल्स।
तो दोस्तों वीकली के अंदर जो सपोर्ट रेंज है अभी फ्रेश सपोर्ट रेंज 68.5425 से 68.4800 का एक सपोर्ट रेंज है दोस्तों, और रेजिस्टेंस रेंज जो है वो 69.05 से लेके 69.11 का है रेजिस्टेंस रेंज। मंथली के अंदर अगर आप देखो तो सपोर्ट रेंज 68.19 से 68.11 का है, और रेजिस्टेंस रेंज जो है वो 69.4550 से 69.6000 का है। तो दोस्तों ये है हमारे मंथली और वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेंज। दोस्तों सबसे ज्यादा केयर लेने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम बहुत ही केयरफुल रहेंगे, क्योंकि चक्कर ये हो जाएगा कि अभी 2 दिन के बाद यानी आज थर्सडे है, फ्राइडे कल है, तो ये वीक भी खत्म होगा और मंथ भी खत्म होगा। तो मैं यहाँ पे आपको वीकली और मंथली के सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस जो है ना दोस्तों वो सिर्फ 2 दिन रहेगा। 2 दिन के बाद जैसे ही नया महीना चालू होगा तो फिर वीक भी खत्म होगा, तो वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम नए डिराइव करेंगे। जैसे हम इंट्राडे में डेली नए सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे होते हैं जेन्यूनली एज पर स्विंग्स, और वैसे ही वीक और मंथ खत्म हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वीक और मंथ में भी हम नए सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस के हिसाब से ही काम करेंगे। लेकिन फिलहाल 2 दिन तक तो जो है वो ये है, तो इसी के हिसाब से 2 दिन तक ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा। और दोस्तों यूएसडी आईएनआर में दूसरी खास ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके अंदर ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, लेकिन जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी में इनिशियली प्रीमियम होता है, इसमें भी प्रीमियम होता है, तो वो चीज का भी आप जरूर ख्याल रखिएगा। और एक और चीज दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ये चीज करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत ही जरूरी है। ये मेरे लिए एक तरह की मोटिवेशन है, और आप जानते हो दोस्तों कि मैं ना ही कोई व्हाट्सएप फॉरम चलाता हूँ, ना ही मैं किसी भी तरह का सब ब्रोकर हूँ, ना ही मैं कोई पेड कंसल्टेंसी करता हूँ। मैं फ्री ऑफ चार्ज अपने व्यूज, जेन्युइन व्यूज विथ प्योरिटी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब तो करना भूलिए ही मत, क्योंकि जैसे ही मैं ये वीडियो लाइव सेशन में पोस्ट करूंगा आपको एक पूरा गाइडलाइन मिल जाएगा दोस्तों, और ये गाइडलाइन आपके ट्रेडिंग के लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा दोस्तों। सो प्लीज कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, और व्हाट्सएप फेसबुक जहां पे जितना आप इसको स्प्रेड कर सकते हो बिल्कुल कीजिए। ये सेंटेंस कभी भी मत भूलिए दोस्तों, और मैं तो हमेशा याद रखता हूँ दोस्तों, मैं कभी मतलब वो बड़ी बड़ी नहीं छोड़ता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो मार्केट के हिसाब से प्रोजेक्शन होता है वो पोलाइटली बताता हूँ, और वही मेरा मोटो रहा है पहले से कि आई विल लिसन द मार्केट, आई विल फॉलो द मार्केट। और दोस्तों अगर ऐसा करोगे तो ऐसा तो होगा ही, ये तो होना ही है। यस तो दोस्तों ये था मेरा यूएसडीएनआर। और एक और चीज दोस्तों आपको बताना मैं जरूरी समझता हूं कि मैंने अभी जो हो रहा है ना वो चीज 18 जून में बोली थी। 18th ऑफ जून का मेरा वीडियो आप प्लीज जरूर देखिएगा, यूएसडी आईएनआर एनालिसिस करके है वो वीडियो। उस वीडियो में 18 जून को आज जो हो रहा है ना वो बात मैंने बताई थी। आई वॉज वेरी मच अनहैप्पी, उस वक्त मैं बहुत दुखी था, क्योंकि मुझे मेरे से ये सहा नहीं जा रहा था कि हमारा रुपया इतना डेप्रिसिएट होगा, क्योंकि अगर यूएसडीएनआर ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली हमारा रुपया तो नीचे ही जाएगा, तो मेरा तो नाम भी रुपए से तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। तो ये यूएसडीएनआर का चक्कर तब भी मैंने बोला था, और मैंने एक सेंटेंस यूज किया था दोस्तों कि जैसे ही ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक करेगा, तो जैसे बॉम्बे की लोकल ट्रेन एक के बाद एक स्टेशन पे फटाफट जाती है ना, वैसे ही बुलिश टारगेट्स फटाफट आएंगे। तो देखिए दोस्तों जैसे ही वीकली या मंथली रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, बुलिश टारगेट भयंकर तेजी से आए, भयंकर तेजी मतलब अनबिलीवेबल तेजी यार। अगर आप देखो आज का दिन में जो हाई बना है वो 69. आई थिंक 8 69.08 और समथिंग लाइक दैट, तो वो एक बहुत ही हेवी तेजी है। मतलब कल बाजार जो था वो 68. समथिंग पे था, और आज सीधा उछल के 69.08 और समथिंग, इट्स ए अनबिलीवेबल थिंग, अनबियरेबल थिंग। तो ये चीज तो मतलब
अगर आप स्मूथली गिनो ना तो ये 5 दिन या 2 हफ्ते का काम है वो सीधा एक ही दिन में हुआ है. तो इट्स ए टेरिफिक बुलिशनेस. तो ये चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा कि वो 18 तारीख का वीडियो भी आप जरूर देखना. और दोस्तों जितना हो सके इतना स्प्रेड कीजिए जो मैं आगे भी बोल चुका हूँ. और आपको कहीं पे भी कोई भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगे तो प्लीज मुझे सजेशन दीजिए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैं वो इम्प्लीमेंट करूंगा. आपकी कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए. विश यू ऑल द बेस्ट. कीप ऑन अर्निंग, कीप ऑन विनिंग. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय. कीप इट अप.